और पिपरिया में मटकुली के पहले एक नया टाइगर जोन शुरू हो रहा है। आज सभी की यहाँ पर स्वागत किया गया है। आज पहली राइड सभी की यहाँ होगी। हम फोटो लेते फिर इसको। नहीं नहीं ठीक है, पहन लो पहन लो, वो तो आधे दूर तक पहन के जाना है। यहाँ से जिप्सी पर चढ़ते हुए हम हर से निकाल लेंगे आगे। जी आप पीछे आना, से डर जाएगा। जी 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 ये सफारी आज शुरू, आज उद्घाटन होते हुए सफारी का। इस बीट पर मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम है और इस तरीके के एडवेंचर पचमढ़ी रोड पर यह पहला नीम घान के बाद सफारी ट्रैक शुरू हुआ है। ये फॉरेस्ट टावर है, अभी कुछ दूरी पर आए हैं, वॉच टावर है, यहाँ से निगरानी की जाती है जानवरों पर। लगा 37 किलोमीटर की चालू हुई है, आगे हम संभाल। कितने किलोमीटर जर्नी है पूरी? कितना जाना आना है अपना? 30 किलोमीटर लगभग ये पूरी जर्नी है। पूरी नहीं है, एक साइड की थर्टी, एक साइड की है टोटल। और अभी लगभग हम एक से दो ढाई किलोमीटर ही आगे आए हैं अंदर, देखते हैं और अंदर जाके। जंगल के बिल्कुल अब बीचों बीच पहुंच चुके हैं और अभी भी कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। देख सकते हैं पूरा एसटीआर का जोन है ये, और यहाँ आज से टाइगर सफारी शुरू हुई है साइट सीन के लिए। देख सकते हैं साइट सीन करते वक्त अभी बारिश होने लगी है और अभी देखिए जिप्सी के अंदर किस तरीके से दबके हुए बैठे हुए हैं सब। आठ आठ बन गए, आठ। दुबक दुबक के ही यहाँ से अंदर अब बाहर का नजारा देख रहे हैं। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे टाइगर दिखने की उम्मीद कम होती जा रही है। और हम भी बरगोदी कैंप जो डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ से कुछ देर बाद वापस लौटेंगे। आपका दम पटा हो यार, उधर देख कितना देखो। देखिए कैंप तक पहुँच गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने, बहुत तेज बारिश हो रही है आप देख सकते हैं। पूरा भैया तुमने गाड़ी में नीचे निबुआ नारियल नहीं रखो तो जैसे नहीं देखो शेर। पलिया गुड़ी वन मार्ग, ये देखिए ये, ओहो बड़ा खूबसूरत ये पानी का। देखिए कितना तेज पानी बारिश हो रही है इस तरफ, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। और बरगोनी कैंप से आगे हम निकल आए हैं। देखिए फ्लैश लाइट लगाकर कमेंट्री करनी पड़ रही है, आप क्या कहेंगे कुछ। इतनी बारिश हो रही है, बारिश के अंदर बंद है श्री चाचा जी, ऐसे दुबके हुए बैठे हैं बारिश में। हाँ श्री चाचा जी देखो, बोलो, लोग सुन रहे हैं, लाइव चल रहा है लाइव। ये भी अद्भुत नजारा है, पहली सफारी है, बारिश भी है, बरगोंदी क्षेत्र में बफर में वन विभाग ने शुरू की है और पहली सफारी में पंजेम बरसात हो रही है, मोटी बूंद का पानी है, फिर भी सफारी जारी है। ये देखिए ड्राइवर भैया, भैया कुछ कमेंट भी करो ड्राइवर।
ये लाइव चल रहा है, देखिए। ये ड्राइवर भाई साहब है, क्या नाम भैया आपका ड्राइवर भैया? शरद नाम है। सौरभ जी ये ड्राइव कर रहे हैं, बारिश के बीच में सफारी और लेकिन उम्मीद फिर भी जारी है। दिखेगा टाइगर, दिखेगा। ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि टाइगर दिखेगा, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर तो जिंदा है, बहुत सारे टाइगर हैं। है उधर इधर देखो, सामने देखो, सीट पर हम सब कायम है और इतनी बारिश में इस साइड देख रही हो रहा। ये देखिए यहाँ से अभी जस्ट नील गाय खड़ी हुई है। नहीं लेकिन वो मिलना चाहिए ना, वो क्या खूबसूरत लेक, ये तालाब यहाँ उतर के अपन आधे एक घंटे की साइटिंग के बाद अब बारिश रुकी है और अब उम्मीद है अभी लगभग आधा किलोमीटर में दो जानवर नीलगाय और भालू नजर आए हैं। थोड़ी सी उम्मीद जगी है दोबारा, अब और आगे दिख सकते हैं कुछ और जानवर। ये इसको वो नहीं नहीं ये वो उसको वो बोलते हैं स्टिक वुड, हो गया इसको हवा पहले वो नहीं नहीं ये अरे बहुत तगड़ा चीज है ये। देखिए सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे ऊंगते अनबने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें। ऐसे हैं ये सतपुड़ा के जंगल। यहीं ले लेते हैं फोटो थोड़ी सी, यहीं यहाँ फोटो अच्छी आएगी ना। लेकिन हाँ ये डैम की ले लेना, फोटो अच्छी आएगी। पीछे कैम के ऊपर से लेना, पैदल ये जाएंगे ना वहाँ से ऊपर। वो देखो क्या मस्त पेड़ है, बीच में पेड़ देखो। जंगल में नाइट सफारी लगभग दो से ढाई घंटे हो चुके हैं और अब अंधेरा हो चुका है, तो साइट सीइंग के साथ अब नाइट सफारी भी का आनंद देख ले रहे हैं हम। बहुत ही खूबसूरत यह अनुभव रहा है, आज पहला दिन था और कई जानवर दिखे हैं। और यह
रात में आज वापस हम लोग